तो दोस्तों आप सभी को साल 1998 में रिलीज हुई मूवी सोल्जर तो याद ही होगी, जो कि एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर और म्यूजिकल लव स्टोरी देखने को मिली थी। मूवी में हमें सुपरस्टार बॉयदोल के साथ प्रीति जेंटा लीड रोल में नजर आई थी। साथ ही मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई भी की थी और ये मूवी उस टाइम की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी रह चुकी है। वही अब 25 साल के बाद मेकर्स मूवी के सिक्वल की तैयारी में लग चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाले टाइम में हमें सोल्जर 2 देखने को मिल सकती है। इसी के साथ आपको बता दें, मेकर्स की तरफ से अभी तक मूवी को लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले बॉयदोल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि सोल्जर 2 में मैं काम करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और जैसे ही मुझे अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी मैं इस मूवी पर जरूर काम करूंगा। तो दोस्तों अभी सोल्जर मूवी के लिए आपको काफी लंबा इंतजार तो करना ही होगा, क्योंकि अभी तो मूवी की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है और बॉयदोल भी अपने आने वाली अपकमिंग मूवी में बिजी है। इसका मतलब है अभी इस मूवी को कम से कम 2 साल का लंबा इंतजार तो करना ही होगा। वहीं बात करें मूवी की कास्टिंग की, तो मूवी के पहले पार्ट में हमें बॉयदोल के साथ प्रीति जेंटा, राखी गुलजार और जॉनी लीवर जैसे दिग्गज कलाकार देखने को मिले थे। वहीं सोल्जर 2 में भी बॉयदोल के साथ एक बार प्रीति जेंटा नजर आ सकती हैं। खबरें आ रही हैं कि मूवी में हमें बॉयदोल के साथ सनी देओल का भी एक कैमियो देखने को मिल सकता है, जिसमें दोनों दिग्गज कलाकार एक्शन करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ बात करें मूवी के डायरेक्टर की, तो सोल्जर मूवी को अब्बास और मस्तान ब्रदर्स ने डायरेक्ट किया था, जो कि हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन डायरेक्टरों में से एक हैं, जिन्होंने रेस, बाजीगर और टार्जन द वंडाकार जैसी मूवी दे चुके हैं। और अब सोल्जर 2 मूवी को भी अब्बास और मस्तान के डायरेक्शन में बनाया जाएगा। वहीं बात करें मूवी की स्टोरी की, तो सोल्जर 2 मूवी भी अपने पहले पार्ट की तरह एक एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसमें एक बार फिर बॉयदोल अपने किसी खास की मौत का बदला लेते हुए नजर आएंगे। वहीं बात करें मूवी की रिलीज डेट की, तो मूवी का शूट अगले साल यानी कि 2024 में स्टार्ट हो सकता है और सोल्जर 2 हमें 2025 तक देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आप सब सोल्जर 2 मूवी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।